बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि रियल सक्सेस क्या है, व्हाट इज रियल सक्सेस, आखिर एक रियल सफलता क्या है, सचमुच की सफलता क्या है। ये सवाल बहुत से लोगों के मन में उठता है, मेरे भी मन में पहले उठता था, बाद में मुझे पता चला। अगर ऐसे देखा जाए ज़िंदगी में तो रियल सक्सेस क्या है, एक रियल मंजिल क्या है, हमारी मौत, डेथ, सभी को एक दिन मरना है, लेकिन इसको तो आप सक्सेस मानते नहीं, आखिरी मंजिल तो वही है, सबको एक दिन मरना है और इस सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन मैं आज आपको बहुत नीचे लेवल से बात करूँगा, बहुत छोटे लेवल से बात करूँगा कि रियल सक्सेस हमारी ज़िंदगी की होती क्या है। अगर मैं किसान की सक्सेस की बात करूँ, जब वो गेहूँ का दाना छींटता है तो उसकी, जब गेहूँ उसके घर पे आता है तो वो उसकी रियल सक्सेस होती है, जब गेहूँ कट के आता है उसकी लाइफ में। एक हलवाई की बात करूँ तो जब वो आलू उबालता है, मिर्ची तलता है, मसाला बनाता है और जब समोसा तल के तैयार होता है और उसका समोसा बिक जाता है तो वो उसके लिए रियल सक्सेस होती है। एक माँ जब प्रेग्नेंट होती है, 9 महीने बच्चे को पालती है, जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है जैसे ही, तो माँ के चेहरे पे मुस्कान, पापा के चेहरे पे मुस्कान ये बताती है कि उनकी रियल सक्सेस है, वो उनकी रियल की अचीवमेंट है। उसी तरह से हर एक पहलू से अगर आप देखें, हर एक पैराडाइम, हर एक नज़रिए से देखें, हर एक की ज़िंदगी में देखें, तो कहीं ना कहीं वो सक्सेस ज़रूर पाता है अपनी ज़िंदगी में। जब वो सक्सेस पाता है, जब वो अचीवमेंट पाता है, तब उसके दिल में, उसके चेहरे पे एक अलग तरह की खुशी झलकती है। मेरे दोस्तों, एक टीचर की सक्सेस क्या है, एक टीचर की सक्सेस है कि उसके स्टूडेंट जिसको वो पढ़ा रहा है वो कामयाब हो जाए। एक मोटिवेशनल स्पीकर की सक्सेस क्या है कि वो जो बात बता रहा है लोगों के दिल में बैठ जाए और कुछ लोगों की या बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल जाए, ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाए, वो उसके लिए रियल सक्सेस है। एक फिल्म बनाने वाले की रियल सक्सेस क्या है कि उसकी फिल्म लोगों पे कुछ, लोगों को कुछ मैसेज दे, लोगों की ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाए, वो उसकी रियल सक्सेस है। एक कंपनी की सक्सेस है कि अपने नेटवर्क और नेटवर्थ को बढ़ाना, अपने टर्नओवर को ज़्यादा करना, वो रियल, उसकी रियल सक्सेस है। मेरे दोस्तों, ये पानी, हम पानी पीते हैं, पानी पाते हैं, अगर हम प्यासे होते हैं तो पानी जैसे हमें मिलता है, हमें पानी मिल जाता है, ये हमारी पानी की रियल सक्सेस है। उसी तरह से ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसे पहलू, ऐसे लोग हैं जो सक्सेस एक एक स्टेप करके सक्सेस को अचीव करते हैं। मेरा ये मानना है कि जितनी भी सक्सेस आपको मिले, वो सक्सेस को आप सेलिब्रेट करें। जितनी भी आपको तरक्की मिलती है, जितनी भी आपको अचीवमेंट्स मिलती है, उसको आप सेलिब्रेट करें, ना कि उसको सेलिब्रेट करके उस आपको लगे कि अरे यार ये तो छोटा है, अभी तो और अभी क्या हुआ है। ये सोच, ये ख्यालात अपने दिमाग में रहना ज़रूर चाहिए कि अभी क्या हुआ है, अभी तो और कुछ करना है। लेकिन पहले आप नीचे की सक्सेस को जब आप सेलिब्रेट करेंगे तो ऊंचे पे आप जाएंगे। मेरे दोस्तों, मैं सब्ज़ी मंडी में गया था, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें थी वहाँ पर, बहुत बड़ी बड़ी सब्ज़ी की दुकानें थी, लेकिन वहाँ पे एक छोटा सा आदमी, एक बेचारा आदमी पालक लेके बैठा हुआ था, 3-4 गड्डी पालक था उसके पास, 3-4 गड्डी पालक, जहाँ पे कुंटलों कुंटलों सामान लोग लेके बैठे थे, लेकिन वो 3-4 गड्डी पालक लेके बैठा था। जैसे मैंने उसके पास गया, वो मुस्कुराया और मैंने कहा पालक कैसे, तो कहे 5 रुपये की, तो मैंने उसको 4 गड्डी खरीद ली। जाके वो इतने अच्छे से मुस्कुराया और कहा कि अब तो मैं अपने घर खुशी से जाऊंगा। वो 4 पालक का गड्डी का साग बेचना उसके लिए रियल सक्सेस हो गई। सक्सेस एक ये छोटे स्टेप की सक्सेस है, स्मॉल सक्सेस है, लेकिन इसको भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, इसमें भी हमें खुशी ढूंढनी चाहिए और आगे की सक्सेस पे हमें नज़र गड़ानी चाहिए, नज़र करना चाहिए कि आगे भी हमें कुछ अचीव करना है। लेकिन पहले छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करके, हाई स्कूल में पास हो जाते हो, मुस्कुराहट आती है, लेकिन फिर इंटर का एग्ज़ाम देना है, इंटर में पास आते हो, मुस्कुराहट होती है, लेकिन फिर बीए बीएससी बीकॉम का, बीटेक का एग्ज़ाम देना है, बीटेक बीएससी बीए बीकॉम में पास हो जाते हो, तो उसके बाद मास्टर्स की एमटेक एमकॉम एमएससी का एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम उसके बाद पास हो जाते हो तो SST IB SSC IBPS UPSC कुछ भी एग्ज़ाम देना है, उसके बाद भी पास हो जाते हो, प्री पास कर लेते हो, मेंस का एग्ज़ाम देना है, मेंस पास कर लेते हो, इंटरव्यू का एग्ज़ाम देना है, इंटरव्यू पास कर लेते हो मेरे दोस्तों, तो ला के फील्ड में आपको एग्जाम देना है, फील्ड में आपको अपने आप को काम करते हुए दिखाना है कि मैं काम को कर सकता हूं। हर वक्त आपकी जिंदगी में इम्तिहान है, हर वक्त आपकी जिंदगी में एग्जाम है, लेकिन जिस भी एग्जाम को आप पास करो, उस एग्जाम की पासिंग मार्क्स को, उस अचीवमेंट को आप सेलिब्रेट करो, उस सक्सेस को आप सेलिब्रेट करो और यह समझो कि मैंने कुछ हासिल किया है जिंदगी में, खुशी मनाओ। जब आप खुश होगे तो जिंदगी में और आगे बढ़ोगे। शुक्रिया दोस्तों,
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।